It's a bootleg.
Bharati. Hari Om, everyone. Everybody good? Can I see your beautiful faces? Yeah, video mein aap jab off hoti ho, it becomes very difficult to connect to non-visible entities. So, very good. It is so good to see all in most of you in yellow. So, everybody good? Good. थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हाँ या ना गुड गुड आई एम हैप्पी सो एटलीस्ट एक चक्र का किया यस और नो आई एम ओके इवन इफ यू हैव डन वन चक्र यस और नो यस यस सो थोड़ा सा कुछ लगा अच्छा लगा बेटर लगा या समझ में नहीं आया क्या हो रहा है सो जो चक्र का चालू किया है कंटिन्यू इट फॉर 4 days नाउ डोंट पिक अप अनदर चक्र ठीक है So, अगर कल का अनाहत चालू किया है तो कंटिन्यू दैट फॉर 4 days इफ यू स्टार्टेड विद द आज्ञा अरे इफ यू स्टार्टेड विद द विशुद्धि कंटिन्यू फॉर 4 days ठीक है डोंट स्टॉप या यस बोलो जीनी मैम कैन यू फॉरवर्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ विशुद्धि मैंने किया हुआ है ना अच्छा आई विल सेंड आई थिंक आई हैड सेंड राजकुमारी जी ऑन पर्सनल आई विल सेंड ओके थैंक यू या सो एवरीबॉडी इज ओके विद दिस कैन वी गो अहेड So as I told you, that there are some cults who start with the Ajna Chakra, जब वो लोग कुंडलिनी साधना करते हैं कुछ कल्ट में मूलाधार से चालू करते हैं और कुछ कल्ट में they start with the Vishuddhi Chakra. They believe that when you start with the Vishuddhi Chakra, both the nadis Ida and Pingala gets purified. The moment उस वो purification होता है Ida और Pingala नाड़ी का सुषुम्ना नाड़ी है वो activate हो जाती है उसी से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी या तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ते हुए सारे चक्रों का वेदन करते हुए आज्ञा चक्र में अपने शिव के साथ मिलती है एंड दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर ह्यूमन लाइफ यही हमारा पर्पस है शक्ति को शिव से मिलाना हम क्यों बार बार जन्म लेते हैं क्योंकि हम उधर पहुंच ही नहीं पाते
जब तक नहीं पहुंचते तब तक मनुष्य जन्म लेना पड़ता है. दैट इज व्हाट इज अवर साधना. एक्चुअल हमारी साधना यही है. इट इज सेड दैट हमारा जितने भी बर्थ होते हैं तो जहां पे भी आपने अपनी साधना अटकाई हुई है वहीं से आपकी साधना आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी. सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट वर्किंग विद चक्र ऑन डेली बेसिस. अब कई बार लोग बोलते हैं मैं पीरियड्स में हूं, मुझे पेट दर्द होता है, मुझे बुखार है, तो आई जस्ट टेल देम, और मेरे पास जगह नहीं है करने के लिए. सो आई टेल देम यू कैन डू एनीवेयर. अगर कहीं नहीं तो वॉशरूम में तो जगह है ना. यस और नो? दिन में 24 घंटे में किसी भी समय चक्र साधना कर सकते हो क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपके जो चक्र है, आपके साथ ही रहते हैं. यस और नो? ऐसा होता है क्या कि रात को 2 बजे आप चक्र निकाल के रख देते हो और देन आप सोने चले जाते हो? होता है ऐसा नहीं. सो योर चक्रस आर विथ यू 24/7. किसी भी टाइम, किसी भी समय, किसी भी जगह पे आप चक्र साधना कर सकते हो. एंड इट इज नॉट रिलीजियस थिंग के नहाना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, पीरियड्स में होंगे तो नहीं करना चाहिए, ये किया है तो नहीं करना चाहिए. नहीं, यू कैन डू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो नो एक्सक्यूज. बराबर है? जगह घर पे नहीं है तो वॉशरूम में जाके करो, घर के बाहर जाके करो, पर करो. सो एज आई टोल्ड यू, विशुद्धि चक्र प्यूरिफाइज अवर सिस्टम. धीरे धीरे अनाहत में पड़ते हैं. इट डेवलप्स अनकंडीशनल लव खुद के प्रति और दूसरों के प्रति. प्रेम जगाता है. द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अनाहत चक्र यू विल, सॉरी हिंदी में, आप जो अनहद नाद है, अनहद यानी दुनिया में जितने भी जो ध्वनियां है वो हमेशा दो चीजों को टकरा के बनी हुई, मींस स्ट्राइकिंग वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर. फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लैप करते हैं तो हम एक हाथ को दूसरे हाथ के साथ टैप करते हैं, बराबर, तभी ध्वनि पैदा होती है. सो दुनिया में जितने भी 99% साउंड है, दे आर जनरेटेड बाय स्ट्राइकिंग वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर. एक को दूसरे पे स्ट्राइक करके ही पैदा होते. बट देयर आर सम साउंड व्हिच आर ऑलवेज देयर सिंस द इंसेप्शन. जब से ये दुनिया आई है तब से वो साउंड है. एंड दे आर नॉट जनरेटेड आउट ऑफ स्ट्राइकिंग वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर. दे आर कॉल्ड एज अनस्ट्रक साउंड या अनहद नाद. ये नाद यूनिवर्स में ऑलवेज था और हमेशा रहेगा. सो अगर आप अनाहत चक्र में आगे बढ़ते हैं, अगर उसको आप खोल पाते हैं, आप उस साउंड से कनेक्ट कर पाते हैं. ये साउंड यूनिवर्स में भी है और यही सेम साउंड हमारे शरीर में भी है. तो हम हमारे शरीर के अंदर हुए वो नाद को भी सुन पाएंगे और वो यूनिवर्स का जो हमेशा चलने वाला नाद है उसके साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है? इसके बाद आया मणिपुर चक्र. जो तांत्रिक कल्ट है, मोस्टली जो तंत्र में आगे बढ़ते हैं, दे कंसिडर मणिपुर चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट चक्र. क्यों? क्योंकि यहीं से हमारी फिजिकल एनर्जी जनरेट होती है. इट इज द सोर्स ऑफ अवर फिजिकल एनर्जी. ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां है उसमें जितने भी प्राण मिलते हैं वो यही से चालू होता है. तो अगर हमारा नाभि चक्र या तो हमारा मणिपुर चक्र ठीक है तो हमारे में सस्टेनेंस मिलता है. यानी हम किसी भी प्रकार की जिंदगी में कोई भी प्रकार के ऑड्स आते हैं उसको सस्टेन कर पाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि कई के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आते हैं पर वो फटक से वापस आ जाते हैं. होते हैं ना, उनको भी दुख होता है. ये नहीं है कि संत महात्मा या मिस्टिक हो जाते तो उनको दुख नहीं होता, वो भी रोते, बट उनकी रिवाइवल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. इमीडिएटली दे कम बैक. कई लोग क्या होता है कि थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो वो डिप्रेशन में ही चले जाते. होता है ना, उनकी रिवाइवल कैपेसिटी बहुत कम होती है. तो उनको कहां पे काम करना है? एक तो मणिपुर चक्र पे और फिर अपने अनाहत चक्र में. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? So, मणिपुर चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ अवर फिजिकल एनर्जी. कई लोग का स्टेमिना बहुत कम होता है, थोड़ा सा आया और वायरल इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा सा कुछ हुआ गले में इन्फेक्शन हो गया. होता है ना, इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है. और कई लोग, जो लोग की प्रॉब्लम है उनके साथ भी रहते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं होता है. उनका क्या अच्छा है? उनका मणिपुर चक्र ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चक्र. नाउ बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग वी विल डू ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बिना ब्रीदिंग के क्या होगा? प्राण नहीं चैनलाइज होगे, प्राण नहीं होगे तो हम हमारे चक्र में प्राण को कैसे डाइवर्ट करेंगे?
ठीक है. सो फर्स्ट वी विल इनहेल फॉर 4 counts एंड एक्सहेल फॉर 4 counts. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी. अगर किसी ने अभी 2 घंटे के पहले ही खाना खा लिया है, मतलब इफ यू हैव ईटन आफ्टर 8 o'clock, प्लीज डोंट डू ब्रीदिंग्स. जस्ट कीप योर आईज क्लोज एंड जस्ट स्टे, ट्राई टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ. हो सकता है उतना ये 3 दिन प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट एंड हैव योर फूड बिफोर 7. इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि अगर खाना खाया होगा तो ब्रीदिंग में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. चलिए आंखें बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हैव अ जेंटल स्माइल ऑन द फेस, थोड़ा सा स्माइल कीजिए. हम 4 count में सांस भरेंगे, 4 count में ही छोड़ेंगे. धीरे से सांस भरेंगे, हैव अ जेंटल स्माइल, थोड़ा सा स्माइल कीजिए. इनहेल 1, 2, 3, 4. एक्सहेल 1, 2, 3, 4. इनहेल 1, 2, 3, 4. एक्सहेल 1, 2, 3, 4. इनहेल 1, 2, 3, 4. एक्सहेल 1, 2, 3, 4. अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है तो मुंह से सांस छोड़े, आराम से सांस भरिए. इनहेल 1, 2, 3, 4. शोल्डर ढीले छोड़िए. एक्सहेल 1, 2, 3, 4. आराम से सांस भरिए. इनहेल, थोड़ा सा स्माइल कीजिए. 1, 2, 3, 4. एक्सहेल 1, 2, 3, 4. लास्ट 3 times. इनहेल 1, 2, 3, 4. एक्सहेल 1, 2, 3, 4. लास्ट 2 times. इनहेल 1, 2, 3, 4. एक्सहेल 1, 2, 3, 4. एंड रिलैक्स, टेक 2-3 नॉर्मल ब्रेथ्स. स्लोली ओपन योर आईज, टेक 2-3 नॉर्मल ब्रेथ्स. Yeah. Now we will do forceful inhalation and forceful exhalation. Lambi and forceful saans bharni hai, lambi and forceful saans chhodni hai. Sir bhari hota hai, toh breathing continue na karte huye, left se saans bharenge, right se chhodenge. Thik hai? Yeah. Now we will do same the way we did on the first day. Now when you do breathing and breathe out, when you are inhaling, the belly will come out. When you exhale, belly will go in. Inhale, belly will come out. Exhale, belly will go in. ठीक है? So, ध्यान अपना सांसों पर और belly के movement पर. आंखें बंद रखें. चलिए start. Inhale, exhale, inhale, and exhale. Inhale, and exhale. Inhale, and exhale. Inhale. बॉडी मूवमेंट कीजिए. एक्सहेल, स्माइल कीजिए. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. वी गो लिटिल फास्ट. Thank you.
Observe your breath. Don't open your eyes. Be still. Exhale with your mouth and let your breath settle down. Don't try to make movement with the body. Just stay still. Observe your breath. Dhyan saanson par. धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते जाइए, ब्रेथ को रिलैक्स करते जाइए, थोड़ा सा स्माइल भी करते जाए. Thank you.
gentle smile on the face. Gently rub your palms, cup on your eyes for a few seconds. Move your fingers on your face. Slowly open your eyes with smiling face. So, जब भी हम किसी भी प्रकार का प्राणायाम करते हैं, after the pranayam, if you start moving your body, अगर प्राणायाम के बाद अगर आप अपनी बॉडी को move करते हैं, क्या होता है जो हमने प्राण जनरेट किए हैं, that gets out of our pranic body. तो हमने जितनी भी मेहनत प्राण को इकट्ठा करने में लगाई है, वो प्राण हमारा शरीर से बाहर निकल जाता है. So try to make minimum movements after pranayam and meditation. That is why most of the time pranayam के दौरान हम बोलते हैं आंखें बंद रखें. या तो इवन आंखों से भी हमारा प्राण बहुत जल्दी, इट इज सेड दैट 40% ऑफ अवर एनर्जी या तो प्राण हमारे आंख से निकल जाते हैं. तो ड्यूरिंग द प्राणायाम और मेडिटेशन और आफ्टर द प्राणायाम एंड मेडिटेशन इमीजिएटली डोंट मूव योर बॉडी और डोंट ओपन योर आईज इमीजिएटली. ठीक है, राइट. नाउ वी विल डू नाडी शोधन टू क्लेंज अवर नॉस्ट्रिल. यहाँ पे कोई भी एवरीडे एनीबडी डस जल लेती कोई करता है क्या? वेरी गुड वंदना जी. और कोई? क्यों? वेरी गुड. सिर्फ दो हाथ है, रजनी जी एंड वंदना जी. वाय? ओके सरा, राइट. ओके सो ट्राई डूइंग, जो कर सकते हैं प्लीज ट्राई डूइंग जल लेती. जितना भी जल लेती करेंगे प्राण को आप ठीक तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएंगे. नाउ वी विल डू नाडी शोधन. सो क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल बंद करें. लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे. आंखें बंद रखेंगे. लॉन्ग एंड फोर्सफुल इनहेलेशन, लॉन्ग एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन. नो टेंशन ऑन द फोरहेड, कीप स्माइलिंग. चलिए इनहेलिंग, लुक अप, एक्सहेल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. वेरी गुड. चेंज योर साइड, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. राइट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, थोड़ा सा स्माइल कीजिए. एट नाइन टेन. वेरी गुड, रिलैक्स. Now inhale with both the nostril, exhale with both the nostril. दोनों नाक से सांस भरेंगे, ऊपर देखेंगे. Inhale and exhale. Two, three, four, five, six, seven, eight. नाइन टेन एंड रिलैक्स. कान बंद हो रहे तो मेक अ चिल मूवमेंट. अगर सिर भारी होता है तो लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल. नाउ वी विल डू नाभि क्रिया. इट इज लाइक कपालभाति, बट यू टू पुट टू फिंगर्स ऑन योर नेवल. अपने नाभि को ठीक से प्रेस करना है. वेरी पावरफुल टू एक्टिवेट योर नाभि चक्र. So, चारों उंगलियां अपने नाभि के अंदर प्रेस कर दीजिए. नाभि को कीप योर बैक स्ट्रेट, स्पाइन कंप्लीटली स्ट्रेट, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी. वी विल डू कपालभाति ओनली एक्सहेलेशन 100 स्ट्रोक्स. अगर नहीं होते हैं तो बीच में रुक कर इनहेल विथ लेफ्ट एंड एक्सहेल विथ राइट. आंखें बंद, स्टार्ट. फोर फाइव सिक्स सेवन, गो एज पर माई स्वीट. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3,
4. Smile कीजिए. 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Last 8, 9, sorry, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax, but keep your eyes closed. Take 2-3 normal breath. We are going for the second round. Aur nabhi ko theek se press kare. This is the last round. Those who can continue, they can continue. Otherwise, keep focusing at your navel region. Aankhe band. Jitna ho sake, haath ko nabhi ke andar press kijiye. Start kapalbhati. 108 strokes. Nine, ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keep your eyes closed and relax. Don't open your eyes. Just keep observing your breath. Aankhe bandi rakhe. Slowly open your eyes. Everybody okay? अब हम क्या करेंगे सांस भरेंगे इनहेल 90% द वे वी हैव बीन डूइंग 90% सांस भरना है सांस को नेवल पे लेके जाना है अपना अटेंशन हम नेवल पे रखेंगे वंस द ब्रेथ रीचेस एंड आवर अटेंशन रीचेस टू द नेवल यू विल स्टार्ट मूविंग योर बेली फ्रंट एंड बैक विद द बॉडी मूवमेंट सो 3-5 टाइम्स देन रोटेशन 3 टाइम्स एंड left. It is not only the belly which is moving, it is the spine which is moving. Then forcefully exhale as if you are exhaling from the top of the head. Samajh mein aaya? Okay. Aankhe band kare, I will keep guiding you. Chal, reed ki haddi bilkul seedhi. Dheere se lambi saans bhariye. Inhale 90%. Phew.
Feel the breath is reaching till your navel. Now shift your attention to your navel region. Haan. Belly ko front and back gumai. 1, 2, 3, 4, 5. Clockwise rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale with the top of the head. Forcefully exhale. While exhaling, you have to observe that it is coming out from the top of the head. Aankhe band. Everybody is okay? Samajh mein aa raha hai? Okay. Aankhe band rakhe. We'll do 4 more sets. 90%. Inhale 90%. Feel the breath is reaching till your navel. Now shift your attention to your navel. Very good. Now front and back 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale from the top of the head. Again, 90% inhale. Feel the breath is reaching till your navel. Shift your focus to your navel. Rotation. Front and back. 1, 2, 3, 4, 5. Clockwise rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale forcefully as if you are exhaling from the top of the head. Again, inhale 90%. Feel the breath reaching till your navel. Focus on your navel, front and back. 1, 2, 3, 4, 5. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale from the top of the head. Aankhe band. 2 more time. 90% inhale. Breath reaching till the navel. Attention on your navel. Front and back. Clockwise 5 times. Anti-clockwise. Exhale forcefully from the top of the head. Last time again. Inhale 90%. Breath reaching till the navel. Focus on the navel. Front and back. Clockwise 5 times. Anti-clockwise. Exhale from the top of the head. And keep your eyes closed. धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते जाइए. Slowly open your eyes. The whole body is warmed up. थोड़ी गर्मी लग रही है. हाँ या ना? If लग रही है, then we are fit for chanting Manipur Chakra. Because now yes, energy is. Yes, I think. Yeah. So, Manipur Chakra mein chanting is always done in a Pashyanti Vani. Pashyanti means only you can hear the sound. So, chanting kis tarike ka karna hai? Like whispering. Jaise hum whisper karte hai. So, initially for 7 rounds, we'll be chanting loud. Then we will go in Pashyanti Vani. So, I will just open it. So, the vowels are dung, dung, rung, tung, thung, dung. So, initially we will chant dung, dung, rung. But later on, we'll be chanting only you are audible. Only you can hear your noise. Baju mein jo bhi baitha hai, unko bhi sunai nahi dena chahiye.
it is done in that manner. Once you start doing it, automatically it gives a lot of vibration to your Manipur chakra. If you chant loudly, the vibration will go out. It has to go inside. So it has to be like whispering. Only you can hear your sound. ठीक है शुरुआत में 7 टाइम्स वी विल चैंट लाउडली टू गेट द क्लैरिटी ऑफ द टोन कैसे बोलना है फिर देन वी विल गो लो ठीक है सो कीप योर आईज क्लोज बैक स्ट्रेट अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए पुट ऑफ योर लाइट्स पानी पीना है तो पी लीजिए वॉशरूम जाना तो जाके आ जाइए देन सिट दीज आर डिफरेंट वोवल्स और सेम वोवल इन देयर आर डिफरेंट वोवल्स फॉर डिफरेंट चक्रस सो एवरी टाइम आई विल बी सेंडिंग यू सो टुडे आई सेंड फॉर दिस मणिपुर चक्र No, ma'am, the one you are talking now loudly and then softly. Same only one vowel. Yeah, yeah. Same. But initially to get used to that, we have to chant loudly. Phir aram se, matlab thoda apne aap ko sunai de, us swar mein karna hai. Kajal, put off the lights. Pani peena hai to pee lijiye. Agar support ke saath baithna hai to baith jaiye. Chashme nikal dijiye. We don't need specs. Except me, myself, you don't need specs because I need to see. So first 11 minutes, we will do Om. Then we will chant Rang. Rang also when we chant, it can be R-A-N-G or R-A-M. But we will chant like this. Rum, Only you should be able to hear. I will chant loudly so y'all can hear me. Y'all will chant very little, थोड़ा सा ही आवाज हल्का सा आपके कानों को सुनाई दे उतने ही स्वर में आपको चैंटिंग करना है Everybody is good? Yeah? चलो keep your spine straight, eyes closed. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी Please from here be cell phone. Use me for one another. Short makar prolong. Om. Om.
Chant a little louder. Thank you.
Your breath. अब हम रंग का उच्चारण करेंगे RANG या RAM. अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर ही रखें. मैं जोर से उच्चारण करूंगी, आप हो सकता है उतना मन में या धीरे से उच्चारण कीजिए. रंग Rang.
Thank you.
Relax, but keep your eyes closed. Aankhe bandi rakhe. Focus apna Manipur chakra par hi. Ek bar main chant karungi, baad mein aap karenge Natrika Mat Sadhana. Dung. Abhi loudly. Dung. Dham. Dham. Ram. Ram. Tam. Tam.
Thum. Thum. Dum. 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 Num. Num. Fum. Fum. And Om. Om. Again. Dum. 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 Num. Num. Pum. Mum. Fum. Fum. Dum. 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 Dum.
Tham. Dham. Dham. Tham. Dham. Nam. Nam. Pam. 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 Om. Om. Dum. 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 Your breath. अब हम सिंगल बार मात्रा का उच्चारण करेंगे. अपना वॉल्यूम जितना हो सके कम रखें. I will chant little loudly so you can hear me. Dum, dum, dum. Dum, 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 Mm-hmm.
Dum, dum, num, hum, wum, om. Dum, dum, rum, dum, thum, dum, dum, num. Thank you.
Keep focusing at your Manipur Chakra. Dhyan Manipur Chakra par hi rakhe. Observe any vibration or sensation happening at your Manipur Chakra. Andar honne wale pure spandano par apna dhyan. धीरे से हम तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे. ओम Om.
join your hands in front of your chest for Shanti Mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karivavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Gently rub your palms, cup on your eyes for a few seconds, move your fingers on your face, whenever you can, koi jaldbaji nahi, aram se, dheere dheere aankh khule with smiling face. Are you all good? Soon nahi gayo na? No, ma'am. Good. So, if you keep chanting this, आपके digestive system पे बहुत फर्क पड़ता है. So, आपके जितने भी liver, pancreas, आपके gallbladder, kidney, one second, I'll just mute. इनके related जो भी issue है, it gets solved if you start chanting. इनके 10 vowel है, यानि 10 नाड़ियां है, किसी भी एक नाड़ी में इम्बैलेंस होने के कारण हमारे पेट के रिलेटेड सारे इश्यू होते हैं. तो जिनको गैस रिलेटेड इश्यू है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, बार बार वो क्या बोलते हैं, गैस पूरे बॉडी में घूमता रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इफ यू स्टार्ट चैंटिंग दिस वोवल्स विद इन 41 डेज यू विल सी अमेजिंग शिफ्ट. ठीक है, आज जो गौरी जी ने शेयरिंग की थी, शी जस्ट चैंटेड फॉर 27 मिनट्स only Anahat Chakra and her hand and shoulder got released. It is not miracle. It happens because ye vibrational frequency hai, wo directly usi part mein affect karti hai. Theek hai? With this, we are having a chakra workshop on 15th of August, jiski jankari hume Praveena dengi. So, thank you all. Any question till now? Iske baare mein poochi. 27 minutes minimum. फिर आप कितना भी बढ़ा सकते हो. Madam, yes, one question. This vanis that you are telling us about each chakra, when we do the normal chakra chanting, this doesn't apply for that. Now it applies, but when we do normal chakra chanting, ना हम उस प्रकार से chanting नहीं करते. If we keep chanting the swar, because we chant lung, vang, rang, yeah. If you keep chanting the para, paschanti, madhyama and all, your mind will get diverted. Okay. Here we are only pick up one chakra, so you can afford to twist and modulate your voice. Thank you. Mudra bhi bar bar change karoge chakra mein, to your mind will go out, because again you will start on the physical level. Sure, ma'am. Thank you. Okay. Yeah. So, participant, please, a good news hai, 15 August ko chakra level 1 ho raha hai workshop, aur yahan pe jitne bhi participants hai unke liye ek scheme humne rakhi hai, jo online karenge unko 2000 discount rahega, matlab waise fees hai hamar chakra level 1 ki 8500, ab usko energy exchange bol sakte hain, fees nahi bol sakte hain, aur chakra level offline karte ho तो आपको 1000 डिस्काउंट हो जाएगा, 7500. बहुत ही बढ़िया वो चक्र वर्कशॉप लेवल, मतलब आपको ये जो वोवल्स वाले के साथ के उसके साथ डिटेल्स में कंप्लीट नॉलेज, जो कैसे क्या वो चक्रास कहाँ लोकेटेड होते हैं और सारी बातें अच्छी तरह से भरे भी समझाएगी. एंड जब वो चक्र वर्कशॉप लेवल 1 करोगे तो जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोग किए हुए भी, उनको आप पूछ सकते हो कितने अच्छे रिजल्ट है. मेरे तो खुद के बहुत बढ़िया रिजल्ट है, तो आप लोग भी करोगे तो बहुत ही बढ़िया मिलेंगे. तो आप इस बारे में जैसे लेवल ये खत्म होते हुए आपको पता चलेगा ही चलेगा कि कितना बढ़िया रिजल्ट आते हैं. तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चक्र लेवल 1 आप एटलीस्ट 2 तो बाद में सोचिए, पर लेवल 1 करिए करिए. संडे है मॉर्निंग 9 o'clock ना भैरवी? हाँ, 9 to 5 बोलते हैं. फोर ओ क्लॉक तो हो जाता है, फोर ओ क्लॉक तो हो जाए पूरा. हाँ.
क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, मतलब ये तो सिर्फ एक सेगमेंट है, उसके बहुत सारे पहलू है चक्र के. सो वो सारे को डिटेल में समझाना, फिर कुछ साधनाएं देना, सो इट टेक्स टाइम. और चार भी बज सकते हैं, पांच भी बज सकते हैं, और साढ़े पांच भी बज सकते हैं. और इन बिटवीन लंच ब्रेकफास्ट सब हो जाता है ऑफलाइन वालों के लिए. सो थिंक ओवर इट, ट्राई टू डू इट, क्योंकि चक्र लेवल वन इज ऑल अबाउट हीलिंग योरसेल्फ, अपने आप को आप कैसे हील करेंगे. तो अगर लेवल टू भी नहीं करते बिकॉज इट इज अबाउट हीलिंग अदर्स तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट ट्राई डूइंग लेवल वन. बहुत सारी शिफ्टिंग होती है, यू शिफ्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल. अभी लगता है ये चैंटिंग है, अगर आप ये चैंटिंग हफ्ते भर भी करोगे, यू विल सी दैट पर्टिकुलर थिंग शिफ्टिंग इन योर लाइफ. सो इट इज नॉट अ मॉड्यूल और इट इज नॉट अ कोर्स, इट इज अबाउट द शिफ्टिंग योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ. सो ट्राई टू इन्वेस्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ. ठीक है, ये मेरे यहाँ यानी जू पे होगा, ऑनलाइन तो यू कैन अटेंड फ्रॉम योर हाउस ओनली. सो सारी डिटेल्स वो प्रवीण आपको बता देगी, यू कैन कॉन्टेक्ट प्रवीण, शी इज माय फ्रेंड, यू कैन कॉन्टेक्ट हर, उसका भी नंबर है. हाँ राजकुमारी जी बोलिए. हाँ मुझे ये पूछना था कि आप जो ये ओम बोल रहे थे ना लास्ट में बाद में, हाँ ये चक्र सेटिंग चालू होने से पहले, उसमें मेरे को क्या बात से मतलब समझ में नहीं आ रहा था, आवाज स्लो होने के कारण, और मेरा आजकल दो तीन दिन से नेट जा रहा था बार बार, तो मैं सोच रही थी मैं अकेली बोलते जा रही हूँ कि चालू हुआ, तो मैं बार बार आँख खोल के देख रही थी. हाँ पर अगर सुनाई दे रहा था ना ओम थोड़ा सा, बहुत हल्का, और मेरा नेट दो दिन से जा रहा है ना, तो मुझे ऐसे लगा कि अकेली बोल रही हूँ, कुछ और चालू हो गया होगा, तो आँख खोल खोल के ऐसे देख रही थी बार बार. कोई बात नहीं, अभी आँख खोल के मत देखना. एक है ना एंडिंग में ये पूछना है. हाँ बोलिए. हाँ लेकिन मेरे को ये पूछना था कि आपने जो मतलब वर्ड बोलने से पहले ये मणिपुर का वो बोला था क्या बीच. हाँ तो शुरुआत में ही बोला, जैसे हम हमेशा ग्यारह मिनट हमने ओंकार किया, फिर 11 मिनट हमने रंग का उच्चारण किया, फिर हमने 21 मिनट तक सारे मातृका का उच्चारण किया, अगेन वी वेंट बैक टू ओम. वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है, आप कुछ भी बोलते चेंज नहीं होता था. सही से सीखू ना तो पूछ लू, कंफ्यूज हो गई हूँ तो. भैरवी okay. एक बोलना चाहूंगी, जैसे कि अभी राजकुमारी ने कहा, आपने उसी दिन भी कहा था कि आप लोगों को जब चक्र वर्कशॉप ये मतलब ये जिस पर्टिकुलर चक्र के बारे में जब प्रॉब्लम आती है, सुनाई कम दे रहा है यानी एक, तो उस चक्र पे ज्यादा ध्यान देना है. तो राजकुमारी का एक इश्यू है, उनका किडनी का इश्यू है, तो आज मणिपुर चक्र है तो उन्होंने उस पर ध्यान वैसे भी ज्यादा देना है, तो इसके लिए कोई है. ये बात सही है, अगर जिस चक्र में प्रॉब्लम होएगा ना उसके वोवल चैंटिंग में भी आपको परेशानी होगी, आप चैंट नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत ट्राई करोगे पर वो गलत अक्षर आएगी या तो यू विल फंबल, इट मींस आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है. तो धीरे धीरे व्हेन यू प्रैक्टिस इट विल हैपन. सो इट इज नॉट दैट कि आपको आता नहीं, देवनागरी लिपि नहीं आती, ऐसा कि यहाँ पे कोई भी नहीं जिसे देवनागरी लिपि नहीं आती, पर फिर भी आप अटकते हो. क्यों? क्योंकि आपकी वो पर्टिकुलर नाड़ी में ब्लॉकेजेस है. अब नाड़ी क्या है, चैनल क्या है, ऑरा क्या है, और एक फील्ड क्या है, प्राण शरीर क्या है, उसमें कितने लेयर्स है, वो सारी हम जानकारी चक्र वर्कशॉप में देते हैं. इसीलिए बोलते हैं वंस यू हैव द ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज तो उसका असर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर चीजें पता हो तो वो जल्दी डाइजेस्ट करती है. इफ आई टीच यू ऑन अ मैकेनिकल लेवल इट विल बी ओनली मैकेनिकल, थोड़े टाइम बाद आप भूल जाओगे, पर अगर जिस बात जहन में उतरती है वो आप जल्दी चेंज कर पाते हो. यस और नो? So that yes. is theory and overall knowledge is very important. So try attending if you can. ठीक है? Okay, thank you. Pravina. चलिए. See you all. Hari Om. Try practicing tomorrow. I'll see you all on Friday. Sure, ma'am. Practice करेंगे ना?